यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, बहुत ही सुंदर जगह पर है। और जस्ट आगे मुझे छोटे एक और दिख रहा है मोर, वो नाश्ता हुआ है, डिस्टर्ब हुआ, पता अलर्ट क्यों है इतना ये? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड जंगल ड्राइव में। मैं हूं आपका दोस्त अदीप और ये हमारे छोटे भाई फैसल। तो दोस्तों शाम का वक्त है, जा रहे हैं अपने घर की तरफ, मतलब जंगल से होकर। तो आसपास आवाज़ आप सुन सकते हैं, चारों तरफ जंगल है, सुंदर पक्षी मधुर आवाज़ कानों तक आ रही है और ऐसे ही अपना ये सफ़र पूरा घर तक गुजरेगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और देख सकते हैं आप एक पॉइंट जहाँ कहीं भी कभी भी गंदा पानी पीने आता होगा, जो कि गर्मी है जैसे कि आपको पता है। तो सामने हाजिर आपके सुंदर और शानदार एकदम जंगल, और काफ़ी शांति है। अभी तो शुरुआत है जंगल की, तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल दोनों मिलेगा, क्योंकि यह है जंगल और जंगल हर वक्त कभी एक सा नहीं होता। बहुत ही शानदार और अच्छी सुगंध बनते हैं। कितना प्यारा पड़ रहा था, क्या सनसेट हो रहा है आज, ब्यूटीफुल। इधर रिफ्लेक्ट सामने पड़ रहा था हमारी बाइक पर ही, है ना? हाँ, खुशबू बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है यार, किस चीज़ की? देखिए हरा भरा, हरा भरा जंगल, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़। शाम का वक्त है तो पक्षियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी आपको, बहुत प्यारा लगने वाला है ये जंगल इन्हीं पक्षियों की आवाज़ के ज़रिए। जितना तुम जंगल में शांत होगे ना छोटे, उतना ही ऐसा लगता है जैसे कोई है ना भाई। तो जो जंगली जानवर हैं और जो ये सुंदर चिड़िया हैं, वो अपना एहसास दिला रही हैं कि हम जंगल के अंदर हैं। ये इनका घर है, सब पानी के पास हैं, सारे जीव जंतु पानी के पास होंगे इस वक्त। गर्मी बहुत है और देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ही सुंदर हरे पंख इसके, नीली गर्दन चमकती हुई धूप से, और घूमता हुआ ये सुंदर जगह पर। इसका एक बार फ्रेम दिखाते हैं आपको कहाँ पर है ये। बहुत ही सुंदर जगह पर है और जस्ट आगे मुझे छोटे एक और दिख रहा है मोर, वो नाश्ता हुआ है, फटाफट जूम करो। हाँ, वो भी नाश्ते हुए, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। उसके आसपास पक्का फीमेल होगी। वाओ, अब दिखाया उसने अपने सुंदर पंख, नाचने में लगा है। बहुत दूर है दोस्तों, फुल जूम है। ब्यूटीफुल, ये बैठा लिया उसने। दोस्तों दो मोर एक साथ एक ही फ्रेम में, और फ्रेम देखिए आप कितना प्यारा है। एक हरा भरा पेड़, एक पर है शायद फूल। दोस्तों आप देख सकते हैं ड्रॉपिंग, हाथियों के मूवमेंट बराबर है। थोड़ा ढाल है दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं
देखने में काफी शानदार लगता है देखने में। तो ये तोते की आवाज थी, जिसे बोलते हैं प्लम हेडेड पैराकीट। यहाँ इतने पक्षी हैं कि आप नाम याद रख पाओ ये बहुत मुश्किल है। कोशिश तो करते ही हम फिर भी कोशिश करते हैं, जो मेरे को अच्छे से दिखता है पक्षी उसका मैं नाम याद रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल भी थी शायद पीछे, जो कैया कलर की होती है। हाँ, उसके जो क्रेस्ट होते हैं ना वो ब्लैक होते हैं। खूबसूरत लगती है। और कम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जंगल को महसूस कर सकें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा जंगल है। अरे ये देखिए हिमालयन बुलबुल, पीछे गाड़ी आ रही, रोक नहीं सकते, खतरनाक इलाका है। चलिए चलिए, गाड़ी से टकरा के हो सकता है मे बी या किसी और पक्षी द्वारा, जो मांसाहारी पक्षी होते हैं उसकी डेथ हो गई। ये जंगल का तो रूल है। खैर कुछ फूड चेन की वजह से है तो कुछ इंसिडेंट्स, इंडियन पैरा तेज रफ्तार वाहन गया होगा उस वजह से भी हो सकता है मे बी। इंडियन पैराडाइज रही उड़ के ना, कहाँ पे? यहाँ से उड़ के लेफ्ट में रही। ओह वाह, दिखेगी नहीं दिखेगी, एरिया बहुत रिस्की है, इसे देखते चलो आंखों से तो दिख ही जाए। हाँ बहुत ही खतरनाक इलाके में घूमता हुआ पीछे था, ऐसे एक कॉरिडोर भी था ना। अच्छा बहुत प्यारा लग रहा है जंगल, वो आप लोग देख सकते हैं। जंगल में एक अलग तरह की खुशबू नहीं लग रही है? जैसे पत्ते हिल रहे हैं। ये कितनी तेजी से जाते हुए, कहीं भी कुछ भी निकल सकता है। छोटे बहुत ध्यानपूर्वक चलना है। तभी तो मैं शांत हूँ, शाम का वक्त है, पानी पीने जरूर जाएगा जानवर कोई भी हो, सबके लिए अलर्ट। कोई भी टहनी चटकने की आवाज़ डराएंगी ना। अरे तो टहनी चटकने की आवाज़ आई एकदम से मैं भी चौंक गया। अभी सोचो ना उजाले से कितना सहारा है, जो सूरज की रोशनी है इससे जंगल जगमगाता है दिन में, और रात में ही होते ही और रात होते ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि तो दिखेगा नहीं ना कुछ, अंधेरे से लगता है काफ़ी लोगों को डर, और प्लस जंगल अपने आप में एक थ्रिल और सस्पेंस है और थोड़ा सा हॉरर भी।
इसका अपना एक मजा है यार जंगल का ना। तभी तो मैं शांति से सुन रहा हूँ पक्षियों की आवाजें, अलग अलग पक्षी कितने अच्छे लग रहे हैं। सैकड़ों प्रकार की प्रजातियाँ सब यहाँ मौजूद हैं। अरे मोर नहीं हो मोर, इसके अभी पंख जो है विकसित नहीं हुए हैं। आगे फीमेल है, पीछे मेल है, एक ही फ्रेम में। क्या सुंदर कलर दिख रहा है इस मोर का, ब्यूटीफुल। इसके अभी पंख जो है विकसित नहीं हुए हैं। आगे फीमेल है, पीछे मेल है, एक ही फ्रेम में। वाह क्या सुंदर कलर दिख रहा है इस मोर का, ब्यूटीफुल। कॉलिंग हो रही है बे छोटे, बार्किंग डियर की नीचे साइड। तो दोस्तों यहाँ सनसेट हो रहा है और वहाँ कॉलिंग हो रही है नीचे साइड। क्या प्यारा सनसेट है देख सकते हैं आप। आ रही है बस नीचे, फटाफट चलो। हम हो चुके हैं दोस्तों, अभी आपने सनसेट देखा होते हुए और जहाँ पार्किंग गियर की आवाज़ आ रही थी वहाँ हल्का सा जाकर हमने देखा, फिर रुक गई आवाज़। चार पांच बार आई है सनसेट के टाइम, जब मैं सनसेट की वीडियो बना रहा था तब आई है। बहुत हल्की आवाज़ है, शायद रिकॉर्ड हुई हो, मे बी। देर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। सूरज आपने देख ही लिया, जस्ट थोड़ी देर में पहाड़ के पीछे आ जाएगा वो, और जंगल बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा जंगल है, एक साइड काला सा तो पत्ता गिर जाएंगे तो ढक जाएगा ये कुछ। ये तो है, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है ये जंगल, मुझे तो बहुत भाता है। आप लोगों को कैसा लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब पूरी मिट्टी 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 है पूरी चट्टान। हाँ मिट्टी सिर्फ पेड़ों ने रोक रखी है, वही तो, इसलिए ही पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। सही तिरछी मिट्टी को रोक रखा है ना पेड़ों ने, और क्या, पेड़ों की जड़ है उन्होंने रोक रखा है थोड़ा मिट्टी को। जहाँ पेड़ गिरा वह मिट्टी खिसकेगी डेफिनेटली, वही तो। हाँ एक ही जा रहा है गोल्डन जैकॉल। गाड़ी और स्कूटी की आवाज़ से कितना डिस्टर्ब हुआ पता, अलर्ट क्यों है इतना। ये देखिए पेयर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। एक नहीं है दो हैं, एक गया आगे दूसरा भी वो जा रहा, चलिए गए।